आटा गूंथना ना बेलना। आज हम बनाएंगे आलू और प्याज का एकदम इंस्टेंट पराठा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे आलू प्याज का एक इंस्टेंट पराठा, जो बहुत ही झटपट और बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो करते हैं शुरू बनाना। यहाँ हम लेंगे एक कटोरी गेहूँ का आटा। आप इसे मैदे से भी बना सकते हैं। मैंने थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए गेहूं का आटा लिया है। इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर आधा छोटा चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, लाल मिर्च कुटी हुई आधी छोटी चम्मच, स्वाद अनुसार नमक। सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे आटे में और इसे अच्छे से एक बार इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे और इसका एक स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। बैटर में हमारे बिल्कुल लम्स नहीं होने चाहिए। देखिए, इस तरीके से पानी डालते रहेंगे और इसका हम एक बैटर तैयार करेंगे। हमें पानी इकट्ठे नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। तो बैटर हमारा तैयार हो गया है। इसमें मैंने एक बड़ी प्याज को बारीक करके काटा है, चार पाँच हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है, इसे मैंने बारीक कट के इसमें डाल दिया है। और यहाँ मैंने एक मीडियम साइज़ के आलू को ये बारीक कद्दूकस कर लिया है। आलू भी हमने बैटर में डाल दिया है। अच्छे से इसे चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से देखिए, आप इसमें शिमला मिर्च, गाजर जो आपको पसंद है, आप वो वेजीज भी इसमें ऐड कर सकते हैं। चुटकी भर डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा, इससे हमारा बैटर अच्छे से फूल जाएगा और पराठे हमारे जालीदार बनेंगे और अंदर तक सिक जाएंगे। सोडे को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, घुमा के इसे हम 5 मिनट तक रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए, 5 मिनट हमारे हो गए हैं बैटर को। एक बार और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और चलते हैं अपने गैस की तरफ को। यहाँ चूल्हे में मैंने पहले ही पैन गरम करने रखा हुआ है। पैन में मैंने हल्का सा तेल लगा लिया है। तेल में डालेंगे बैटर। देखिए, इस तरीके से इसे हल्के हाथों से फैला लेंगे। बहुत ही आसानी से, बहुत ही झटपट बन के फ्रेंड ये पराठे तैयार हो जाते हैं। ना हमें इसमें आटा गूंथना है, ना बेलना है, ना आलू उबालने हैं। किसी भी तरह का हमें इसमें तामझाम नहीं करना है। सुबह सुबह बच्चों के टिफ़न में अगर आपको ये पराठे दे रहे हो, आप झटपट से 5 मिनट के अंदर अंदर ये नाश्ता तैयार करके लंच बॉक्स में बच्चों के रख सकते हैं। पराठा हमारा एक साइड सिक गया है। ये आप देख सकते हैं, इसमें हल्के बबल्स भी बीच में आए हैं। तो इसे पलट लेंगे, इस तरीके से दबा दबा के हम इसे सेक लेंगे। बहुत ही कम तेल में हम इसे बना के तैयार करेंगे। इस तरीके से अलटते पलटते हम इसे सेक लेंगे। तो पराठा हमारा सिक के तैयार हो गया है, इसे निकाल लेंगे। यहाँ मैंने ये दूसरा पराठा डाल दिया है। फ्रेंड, मैं आपके लिए बहुत ही इजी और घर के सामान से बनने वाली रेसिपी लेके आती हूँ। बाजार से हमें कुछ भी नहीं लाना होता है। अगर आपको मेरी वीडियो और रेसिपी अच्छी लगती हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल में विजिट कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से हल्का सा तेल लगाएंगे ऊपर से। इस पराठे को भी हम अच्छी तरीके से इस तरीके से दबा दबा के सेक लेंगे। बाकी सारा हमारा जितना भी बैटर है उसे भी हम इसी तरीके से पराठे बना के सेक लेंगे। कितने बढ़िया हमारे पराठे बन के एकदम तैयार हो गए। 5 मिनट के अंदर फ्रेंड, यकीन मानिए, ये हमारे पराठे बन के एकदम तैयार हो जाए। तो देखिए, हमारे इंस्टेंट पराठे बन के एकदम तैयार हो गए हैं। ये देखिए, अगर फ्रेंड आपको मेरी ये देखिए फ्रेंड, हमारे पराठे एकदम तैयार हो गए हैं। एकदम सुपर सॉफ्ट है, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी पराठे बन के हमारे तैयार हो गए हैं। आप किसी बहाने बच्चों को सब्जियां भी खिला सकते हैं। तो देखिए, हमारे पराठे एकदम बन के तैयार हुए हैं। आप इसे हरी चटनी, टमाटर सॉस, चाय, जिस किसी के साथ भी आपको पसंद हो आप उसके साथ इन्हें सर्व कर सकते हैं। बच्चे तो अक्सर टमाटर सॉस के साथ ही इसे पसंद करते हैं फ्रेंड।
मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।